अब मिसाल के तौर पे आपने अपने पोस्टर के ऊपर जो है ना एक फ़ोटो लगाना है और फ़ोटो के ऊपर टेक्स्ट करना है। तो जो हमारा पोस्टर है या पोस्ट है जो भी है, हम पोस्टर ही लेते हैं, ए फोर साइज़ का ले लेते हैं, लेटर पे 8.5x11 पे इस पर क्लिक करके ओके कर लेते हैं। ये हमारे सामने आ गया। अब फ़ोटो इसके ऊपर एक लगाना है, मिसाल के तौर पे किससे रिलेटेड फ़ोटो होगा। चले हम एक पोस्टर बना रहे हैं, सपोज़ टू बी इंस्टीट्यूट का ही बना लेते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ से जाके फाइल में हमने क्लिक किया ओपन के ऊपर, और ओपन में जाके कौन सा हमें फर्स्ट बैकग्राउंड के ऊपर जो है इमेज लगाना है। तो यहाँ पर हम चले गए लेटेस्ट के फोल्डर के अंदर, अब ऐसा फ़ोटो जो इसके ऊपर लग सके और इस पर एस्पेक्ट भी आए, तो इस तरह के फ़ोटो को हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला फ़ोटो है। इस पर क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं और इस पर क्लिक करके कंट्रोल वी करते हैं, टच करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, ऑल्टर शिफ्ट के साथ आप इसको पकड़ के यहाँ पर एडजस्ट करें। तो किस तरह से ये एडजस्ट हो पा रहा है, तो मैक्सिमम लेवल पे हमने इसको एडजस्ट किया तो ये जाके कुछ इस तरह से एडजस्ट हो पा रहा है, जो कि पेपर का काफ़ी हिस्सा कंज्यूम कर रहा है। तो अब ये अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तो फिर ये इस पर फिक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ऑल्टर के साथ इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं ताकि ये इस तरह से हमें नज़र आए, और ये इसके ऊपर हमारा इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक इस तरह का पोस्टर भी बनाया जाता है जिसमें ये चीज़ें इस तरह से शो की जा रही होती हैं। थोड़े से फिर इसके मुश्किल वाले जो पोस्टर्स हैं वो भी हम इसके साथ करते रहेंगे, लेकिन ज़रा इसको भी हम देखें तो ये इस तरह से क्रिएट किया जा रहा होता है। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर देखना, एक मिनट ज़रा साउंड को देख लें, तो उसके बाद अगर हमने और देखना है इसके ऊपर, जैसे टेक्स्ट वगैरह की विजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा और क्या चीज़ें किस तरह से प्रॉपरली नज़र आएंगी, तो कल वाले ही कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको थोड़ा सा और हम मोल्ड करके ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको देखने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने एक शेप क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें एक शेप मिल गया, यहाँ से न्यू करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम इसके ऊपर एक शेप क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर एक शेप क्रिएट करेंगे, शेप क्रिएट हो जाएगा, शेप को उठा के हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और कंट्रोल टी का बटन दबाएंगे। कंट्रोल टी का बटन दबा के यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर रख देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, और उस पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर से हम इस पर एक कलर दे देंगे, सपोज टू बी ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है, और ये ग्रे कलर दे दिया, ओके कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर से हमने इसका जो फिल है वो उसको थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से फिल को कम किया। अब इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से हमने और डार्क कलर दे दिया, ये इस तरह का कलर दे दिया और उस पर लगा दिया, तो फोटो भी आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा फिल को और कम करेंगे तो ये इस तरह से विजिबिलिटी भी आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो फोटो भी अब आपका क्लियर हो गया इसके ऊपर, और आपका जो है जो ये मामला है इस तरह से पूरा का पूरा भी हो गया। अच्छा, अब ये पूरा पूरा भी कर सकते हैं और अलग अलग शेप्स को भी कर सकते हैं। तो अभी हम पूरा पूरे पे ही इस पर अप्लाई किया तो ये इस तरह से आ गया नज़र। इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, कंट्रोल टी दबा के और कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको ऊपर नीचे से थोड़ा अलग करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा फिर, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह का मामला भी इसके ऊपर लग रहा होता है और इस तरह दिखाई दे रहा होता है। अब इसके ऊपर जो हमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट हमारा वैसे ही हाईलाइट हो जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ से लेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए कल हमने फॉन्ट्स को डाउनलोड भी करना सीखा था। सपोज़ टू बी हम इस पर क्या लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेक्स्ट पे क्लिक करके, सपोज़ टू बी टाइप किया मैंने कुछ। अच्छा, ये टेक्स्ट जो है ना इसके अंदर चला गया, तो मैं अलग से लिखूँगा यहाँ जाके क्लिक करके। तो यहाँ मैंने टाइप किया राशिद, तो टाइप करने के बाद अब वो वाइट फॉन्ट का कलर भी वाइट ही है तो वो इस पर नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल ए करके हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से एक आईडी पे ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे वाइट पे ही दिखाना है, तो वाइट ही दिखाना है तो यहाँ से वाइट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। कंट्रोल टी दबाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल टी ऑल्टर शिफ्ट करके इसको हम बड़ा कर लेते हैं और ये देखें इसके ऊपर ऐसे नज़र आएगा। तो कुछ टेक्स्ट ही ऐसा फॉन्ट इतना ख़ास नहीं है कि इस पर इतना विजिबल हो, तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं राशिद और उसको सेलेक्ट करके फॉन्ट जो है हम कोई दूसरा चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, कभी हम ब्रांडिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो कोई फॉन्ट अगर हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो फॉन्ट हमें याद रखना पड़ता है, ताकि जब हम किसी को वो फिर डिलीवर करें तो उसको बता के डिलीवर करना पड़ता है कि भाई किस तरह का फॉन्ट हमने इस पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखना, उसके लिए फिर प्रॉपर फॉन्ट को सर्च करना पड़ता है और फिर इस तरह से उसको बताना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा राशिद और इसके आगे नीचे लिख रहे हैं अलहुसैनी, ठीक है। तो यह हमने लिख दिया यहाँ पे राशिद अल हुसैनी और क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट करके हमने इसको छोटा कर लिया, तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, सेंटर करेंगे, मूव टूल लेंगे यहाँ से क्लिक करके
कंट्रोल टी दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर ब्रांडिंग में ये भी ख्याल रखना होता है कि आप कलर स्कीम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, ब्लू यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कलर स्कीम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख के कंट्रोल टी करके यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर दिया, राशिद अल हुसैनी लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब बाकी चीज़ों को हमने कहाँ पे डील करना है, जैसे ठीक है क्लिक करके हमने यहाँ पे आईडी के तौर पे यहाँ क्लिक किया, देखो ये नहीं कंप्यूटर साइंस इधर और यहाँ पे हमने क्लिक करके कंट्रोल टी कर दिया, अल्टर शिफ्ट कर दिया, इस तरह से बड़ा कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्लिक करके कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना है, तो ए एन डी एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है ये इस तरह से लिख के कंट्रोल ए कर लिया। अब दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से पैराग्राफ खोलना होगा और यहाँ से पैराग्राफ में जाके इसको जस्टिफाई करना होगा, लेकिन ये एंटर करके लिखा है तो जस्टिफाई भी नहीं हो रहा, ठीक है थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो फिर यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे वाले को कैरेक्टर की जो स्पेसिंग है थोड़ी हम बढ़ा देंगे यहाँ से, तो ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे और ये यहाँ पर आ गया। अब कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ पर इस तरीके से शो करना है, तो ये इसके ऊपर सेंटर में इस तरह से नज़र आएगा। अब इसके लिए भी अगर सेम ही आप यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट तो ठीक है, अगर कोई और फॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके इसके लिए अलग फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसके लिए एटसे का फॉन्ट जो है ओके ये फॉन्ट हम यूज़ कर लेते हैं और ये इस तरह से हम इस पर दिखा देते हैं। तो ये देखें इस तरह से मामला को कर रहे होते हैं। अब ये जो हमने बनाया है इसके ऊपर हमें शो करने हैं अपने टेक्स्ट को। अब वो जो टेक्स्ट हैं वो सिलेबस कोर्स की सूरत पे नज़र आएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो कंट्रोल एस करके हम उसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेते हैं, पी एस फाइल्स पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम जाके ब्लॉसम्स के अंदर यहाँ पर सेव कर देते हैं एन अदर पोस्टर। तो ये एन अदर पोस्टर के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, तो एन अदर पोस्टर के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब फर्दर इसके ऊपर जो हमें टेक्स्ट दिखाना है वो कैसे दिखाना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट के ऊपर और ये टेक्स्ट फिर आ गया इसके ऊपर। अब यहाँ पर जब ये टेक्स्ट आ गया है तो उसको हमें क्या लिखना है, ठीक है तो सेलेक्ट करके ओके कर देना है और जैसे ओके करेंगे कंट्रोल टी दबाएंगे अल्टर शिफ्ट के साथ, ये हमें ऐसे दिखाना बड़ा करके। अब इसके लिए जो फॉन्ट यूज़ करेंगे, जो अच्छा फॉन्ट हो सकता है इसके लिए, मैं समझता हूँ कि ये फॉन्ट भी अच्छा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन आईटी और इसको क्लिक करके यहाँ से कवर कर देते हैं हम सपोज़ वाइट कलर के साथ, तो पीछे डार्क है तो ये इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे तो ये सारा नज़र आएगा। कंट्रोल टी करके इसको इसे बड़ा करते हैं और इसको हम यहाँ से जो है क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके एंटर करके नीचे ले लेते हैं, कंट्रोल ई करके और या इसको डिप्लोमा के बाद नीचे वाले को क्लिक करके थोड़ा सा अलग से सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं जिससे ये इसके ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा गया, लेकिन हम इस पर गेप देखें ज़्यादा आ रहा है ना बीच के अंदर, तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से गैप्स को कंप्लीट करने के लिए पैराग्राफ को एक्टिवेट करेंगे और पैराग्राफ जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्टिकल स्पेस। तो वर्टिकल स्पेस को पहले आप 6 पर रखें, तो देखें ऊपर चला गया वो। अब इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें ताकि एक पोजिशन निकल आए कि जिस पोजिशन पर आप इसको प्लेस करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर नज़र आने लग जाए। ओके ठीक है, तो यहाँ से हमने क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये देखिए हमने बना दिया इसका डिप्लोमा इन आईटी, कंट्रोल ए करके सेंटर ऑलरेडी है ये और इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ हमने रखा इसको एक तरह से डिप्लोमा इन आईटी, ठीक है। और फिर हमने इसी का कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लिया
और उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे हमने लिखा सपोस्ट्रोफी, ऊपर वाले की जगह पे हमने लिखा सर्टिफिकेट और यहाँ पर सर्टिफिकेशन लिख देते हैं, बल्कि सर्टिफिकेशन सही रहेगा, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन इन आईटी। तो सर्टिफिकेशन वाला जो मामला है इसको हम थोड़ा सा उठा के इस ब्लॉक के अंदर कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे इस ब्लॉक के अंदर प्रॉपरली प्लेस होकर नज़र आता रहे, ठीक है। उसके बाद इसको कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट करके इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर रख लेते हैं इसको, ठीक है, डिप्लोमा इन आईटी, सर्टिफिकेशन इन आईटी, और उसके क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, कंट्रोल जे कर देते हैं डुप्लीकेट करके और इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से क्लिक करके क्लिक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफिस ऑटोमेशन, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ऑफिस ऑटोमेशन और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ऑफिस ऑटोमेशन को यहाँ पर सेट कर देते हैं कुछ इस जगह पर, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ऑफिस ऑटोमेशन और यहाँ से रख के हम इसको थोड़ा सा रख देते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ से और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर रख के हम इसको कर देते हैं सपोज टू बी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स कर देते हैं यहाँ पे एंड डिज़ाइनिंग कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी मामला यहाँ पे सेट हो गया और इसको फिर हम इस साइड पर इस तरह से प्लेस कर लेते हैं, फिर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको फिर इस कॉर्नर पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से और इस पर लिख लेते हैं सपोज टू बी डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का ऐड हो गया और उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं और यहाँ से इस तरह से इसको फ्लेक्स कर देते हैं, फिर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सपोज टू बी वीडियोग्राफी, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियोग्राफी लिख देते हैं, तो ये इस तरह से वीडियोग्राफी का भी ऐड हो गया, कंट्रोल टी दबाते हैं और ऑल्टर शिफ्ट के साथ जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, तो ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है और फिर हम इसको यहाँ पर जो है इसका कंट्रोल जे लेते हैं और उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे सेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज टू बी प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के लिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर और प्रोग्रामिंग के लिए जो हमने लिखा है उसको थोड़ा सा सेंटर में करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो कि वो थोड़ा सा बड़ा है टेक्स्ट, तो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करके तो इस तरह पे दिखा लेते हैं, कंट्रोल जे करके नीचे आ जाते हैं और इसको इधर रख लेते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं वेब डेवलपमेंट, लिख लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग हमने लिख दिया इस तरीके से और इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट पर यहाँ पर रख लेते हैं, इंटर कर देते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल टी कर लेते हैं, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा बड़ा करके इसको इस कॉर्नर पर सेट कर देते हैं वेब डिज़ाइनिंग का। तो इस तरह से देखिए डिफरेंट चीज़ों को जब आप करेंगे तो ये आपको इस तरह से डिफरेंट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो ये कुछ आपको इस तरह से फिट होता हुआ मिलेगा, तो एक अच्छा सा लुक बन जाएगा, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, उसको तरीके से पढ़ सकेगा। अब मज़ीद इसमें कुछ एडन्स ऐड करना हो जिससे थोड़ा सा और इसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो जाए, तो जैसे हमने डिप्लोमा इन आईटी लिखा है तो यहाँ पर जाएंगे पहले, बल्कि हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर एक ग्रुप ऐड कराते हैं और ये ग्रुप ऐड कराते हैं सपोज टू बी कोर्स के नाम से और उस पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से हमने ले लिया डिप्लोमा इन आईटी, क्लिक करके हम यहाँ पे इसको उस पर डाल देते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं इफेक्ट पे, क्लिक करते हैं लर्निंग ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं आउटर ग्लू के ऊपर, आउटर ग्लू जैसे ही हम लगा रहे हैं यहाँ से नॉर्मल मोड करेंगे और यहाँ पर आउटर ग्लू जब एक्टिवेट होगा तो हम ऑपेसिटी को फुल करते हैं, फिर यहाँ पे लेते हैं हल्का सा ये वाला कलर लेते हैं, ये इस तरह का कलर लेते हैं और इसको लगा के इसको ओके करते हैं और यहाँ से साइज़ को एक्सपेंड करते हैं। आई कुछ समझ में टेक्निक इसको करने की, ठीक है, और उसके साथ साथ ड्रॉप शेडो भी एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे पीछे डार्क थोड़ा सा जिससे थोड़ा टेक्स्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे आउटर ग्लो में अगर आपको थोड़ा सा कलर चेंज करना है तो और भी डिफरेंट कलर हैं, जैसे कि इस तरह का ब्लू कलर का आउटर ग्लो का इफेक्ट लगाएंगे तो फिर कुछ इस तरह का मामला रहेगा और उसका जो स्प्रेड लेवल है वो इस तरह से आपका निकल कर आएगा, ठीक है, ज़्यादा है कम है तो उसको थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है
अब मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा बेहतर क्लियर पढ़ने में भी आ रहा है दूर से, और ये इफेक्ट भी अच्छा बन रहा है। तो ये इस तरह से आप जो है एक पोस्टर के लिए एक थोड़ा सा एड इन फीचर ऐड करके और ये कुछ चीज़ें इस पर लगा सकते हैं, और ये कुछ पोस्टर फिर कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन डालना है और एड्रेस डालना है और लोगो लगाना है। तो लोगो के लिए अब ये डिसाइड करना होता है ब्रांडिंग करते वक्त कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आप राइट साइड पे प्लेस करेंगे, टॉप लेफ्ट पर प्लेस करेंगे, या फिर आप बॉटम पर प्लेस करेंगे। तो फिर वो जितने भी पोस्टर्स, पैनफ्लेक्स और विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और पेपर पैड और वगैरह ये जितने भी बनेंगे, वो सारे के सारे उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो आप शुरू में डिसाइड करेंगे, और उसी कलर स्कीम को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आप जब काम करेंगे तो ये मामला आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ से जैसे हमने राशिद अल हुसैनी लिखा हुआ है, तो अब कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा प्रॉपर वे है। तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हमने इसको बंद कर लिया ये सारे टेक्स्ट को। तो ये टेक्स्ट हमारे यहाँ पे इसके अंदर कंट्रोल हो रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करके हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने लिखा सपोज टू बी कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के लिए हमने जो यहाँ फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल ए करके, वो हम ये यूज़ कर लेते हैं, या कंट्रोल टी अल्टर शिफ्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो हमने यहाँ पे क्लिक करके +92344834390 करके हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल टी दबाया अल्टर शिफ्ट के साथ। इस तरह से हमने बड़ा करके यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा दिया कॉन्टैक्ट के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट भी इस तरह से नज़र आ जाएगा, ताकि लोग जल्दी जल्दी हमसे कॉन्टैक्ट कर लें और उस पर रब्ता हो जाए, ठीक है। कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया, और इसी कॉन्टैक्ट का एक और डुप्लीकेट नीचे ले लिया, अनदर नंबर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ओके 309 कर देते हैं, तो ये देखें इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जीरो आ गया ये। ठीक है, सही है, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी सही आ गई, इदारे का नाम भी सही आ गया, बाकी रह गया एड्रेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन, और वो हम नीचे बॉटम पे लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया और कंट्रोल टी दबाया, अल्टर शिफ्ट दबाया, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिख के कंट्रोल ए कर दिया, और ठीक है यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, एड्रेस को दिखा नहीं रहे, तो ये कॉन्टैक्ट को ये चीज़ें डाल दी। अब यहाँ पर मज़ीद आप क्या करेंगे, जैसे कोई भी फ़ोटो है या कोई और भी चीज़ डिफाइन करनी है, ईमेल वगैरह, या फर्दर आपने कोई इदारे के बारे में बताना है एड्रेस, या कोई और लोगो, या कोई आपने यहाँ पोस्टर्स वगैरह दिखाने हैं, तो वो लगा सकते हैं, वरना ये आपका बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सा लीड तैयार हो गया है, पोस्टर है जिसको हम कहीं भी सेंड करेंगे या भेजेंगे, तो वो फर्दर हमारे बारे में सारी चीज़ें डाल जाएगा, समझ जाएगा। तो इस तरह से हम अच्छे से पैनफ्लेक्स तैयार कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको हम सेव कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला फ़ोटो मैंने कैसे बनाया था, ठीक है। इस फ़ोटो को हमने बनाने के लिए यहाँ से यूज़ किया था मेटा एआई का इस्तेमाल, और यहाँ पर मैंने कुछ इसको इस तरह का प्रेजेंटेशन
प्रॉम्प्ट दिया था। तो किस तरह का प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने इसको लिखा था यहाँ पे क्रिएट रियलिस्टिक प्रोफेशनल, ठीक है, इमेज फॉर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या कंप्यूटर कॉलेज बैनर, ठीक है, इमेज शुड बी हाई रेजोल्यूशन एंड क्लियर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये हमें बनाना शुरू करेगा। अच्छा, ये यहाँ पर आपसे लॉगिन मांग लेगा, लेकिन अगर आप इसको व्हाट्सएप पे लिखेंगे तो ऑलरेडी लॉगिन होता है, ये क्रिएट कर देगा। तो ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ और इसको फिर आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर लॉगिन का क्या मकसद है और यहाँ पर लॉगिन क्यों नहीं हो पाया, यहाँ पर आप अपने किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, मतलब कोई भी जीमेल का, फेसबुक का आईडी हो या इंस्टाग्राम का आईडी हो, तो वो अगर आपको उसका पासवर्ड वगैरह याद है तो यहाँ पर आप जैसे ही इंटर करेंगे तो उससे उसको लॉगिन कर देगा, फिर आप इससे भी इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ चाहें जनरेट करा सकते हैं। वरना व्हाट्सएप के ऊपर जो AI का फीचर आ रहा होता है मेटा का, उसमें जाके आप ये प्रॉम्प्ट डालेंगे और वो आपको बना के दे देगा और डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं।